गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अ हैप्पी चाइल्ड की पोएम की समरी क्या है। आज की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो ये जो सामने आप पेज देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस, सर्कल द वंस यू हैव सीन। ये देखिए, आप कुछ डिफरेंट तरीके के घर देख रहे होंगे। एक हट है, एक इग्लू है, एक फ्लैट है, एक बंगलो है। सो वो कह रहा है कि ये अलग अलग तरीके के घर हैं, इनमें से आपको उन्हें सर्कल करना है जो आपने देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ योर हाउस हेयर एंड टॉक अबाउट इट। यहाँ पे आपको अपना घर बनाना है और उसके बारे में बात करनी है। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, आप कैसा फील करते हैं, वो यहाँ पे भरना है। When you get a new dress, जब आपको न्यू ड्रेस मिलती है, नई ड्रेस मिलती है, तो आप हैप्पी हो जाते होंगे, एकदम खुश हो जाते होंगे, इसलिए हैप्पी लिखा हुआ है। When you get hurt, जब आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, तो आप दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सैड लिखा है। तो आगे के दो बॉक्सेस में, When you share your things, तो आप हैप्पी हो जाते होंगे, जब अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते होंगे तो आप हैप्पी हो जाते होंगे, तो यहाँ पर हम हैप्पी भरेंगे। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार हो जाते होंगे तो भी आप सैड हो जाते होंगे, तो हम यहाँ पे सैड भरेंगे। फिर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम। यहाँ पे ये आपका घर दिया हुआ है, माई होम करके, और यहाँ पे ये लोग दिए हुए हैं कि उस घर में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ग्रैंडफादर रहते हैं तो ग्रैंडफादर से एक लाइन बनानी है जो कि घर तक जाएगी। ग्रैंडमदर रहती है तो वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है घर तक। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी आपके घर में हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो लाइन ड्रॉ करके उन्हें घर तक लाइन ड्रॉ करनी है घर तक। देन ट्रेस द नंबर्स ऑन द डॉटेड लाइन्स। यहाँ पे आपको ये ट्रेस करने हैं जो नंबर्स दिए हुए हैं। फिर है, हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस। यहाँ पे लिखना है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, वो नंबर यहाँ पे भरना है। फिर देखिए छोटी सी एक और पोएम दी हुई है, जैक इन द बॉक्स सिट्स सो स्टिल, वॉन्ट यू कम आउट, यस आई विल। सो सिंग विद मी, जैक इन द बॉक्स सिट्स सो स्टिल, वॉन्ट यू कम आउट, यस आई विल। फिर देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे क्या बोला गया है करने के लिए, आपको एनिमल्स दे रखे हैं और उनके बेबीज दे रखे हैं सर्कल में, तो आपको एनिमल्स के उनके बेबीज से मैच करना है, उनके लिए रास्ता ढूंढना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कैट के लिए इन्होंने डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे, तो ये कैट को इन्होंने मैच किया है ये किटन से, कैट का बच्चा होता है किटन। सो डॉग को हम मैच करेंगे पपी से, डॉग को हम पपी से मैच करेंगे पेंसिल से। फिर ये हो जाता है काओ, काओ को काफ से मैच करेंगे। लॉयन, लॉयन को कप से मैच करेंगे। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को कैटरपिलर से। सो ऐसे करके हमें एनिमल्स के बच्चों से उन्हें मैच करना है, उनका रास्ता ढूंढना है। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे।